हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, और ये है ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक नीम एंड टी ट्री फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन। तो आज के वीडियो में मैं इसी प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहली बात ये है कि मेरे फेस पर कई सारे अभी दाने निकले हुए हैं या दाने हैं, तो ये मुहासे नहीं हैं, ये पिंपल नहीं है, तो आप इन्हें थोड़ा सा अलग ही रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, जो मैंने इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद रियलाइज़ किया है। और एक बात कि इस प्रोडक्ट की जो डायरेक्ट लिंक थी मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो मेक श्योर उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हों तो। अब बात करते हैं इसके प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब पैक है, जो कि ट्रेवलिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है और छोटी सी है, तो आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 90 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है, तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। स्किन टाइप मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्किन ड्राई या कॉम्बिनेशन है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेस वॉश जो है वो नीम और टी ट्री फेस वॉश है, जो कि स्पेशली एक्ने के लिए होता है। तो अगर आपकी स्किन भी भले ड्राई या कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी स्किन एक्ने और पिंपल प्रोन है, तो आप इस फेस वॉश को ट्राई ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट के मेन पार्ट की, यानी कि उसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो उसका अच्छा या बुरा वो डिपेंड करता है उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पे। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो पैकेजिंग पे मेंशन किया गया है, आप चाहें तो आप उसे क्लियरली चेक कर सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसमें कोई भी पैराबेन नहीं है, इसमें सोप नहीं है, इसमें अल्कोहल नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं कलर नहीं है और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी महक स्मेल नहीं है। तो हाँ, फ्रेग्रेंस के लिए मैं कह सकती हूँ कि इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, बस हल्की सी है, बट वो पता नहीं कैसी है, समझ में नहीं आती है कि किसके जैसी है। अगर बात करें सोप की, तो हाँ, क्योंकि इसमें बहुत कम फोम प्रोड्यूस होता है, मतलब कि जब आप जिसे झाग बोलते हैं, जब फेस वॉश को आप हाथ के बीच में रब करते हैं या फेस पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें फोम प्रोड्यूस होता है, तो इसमें बहुत कम होता है। और अगर बात करें कलर की, तो ये आप देख सकते हैं हल्का सा ग्रीन कलर है, क्योंकि इसमें नीम है और टी ट्री है और अदर चीज़ें हैं, जो कि ये ग्रीन हो ही जाए। अब बात कर लेते हैं इस फेस वॉश को यूज़ करने की। तो जैसा कि ये एक फेस वॉश है, तो फेस वॉश को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेस वॉश दिन में 2 बार यूज़ करते हैं, जो फेस वॉश दिन में 3 बार यूज़ करते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मैं कभी कभी फेस वॉश को 3 बार भी यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने दोपहर में मेकअप वियर किया तो 3 बार हो जाता है, अदरवाइज मॉर्निंग और इवनिंग या मॉर्निंग या नाइट में 2 बार फेस वॉश यूज़ करते हैं, जनरली सभी 2 बार यूज़ करते हैं फेस वॉश, तो आप उसी तरह से इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें इसके क्लेम की, तो ये क्लेम करता है कि ये आपके फेस के एक्ने को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ आपके फेस के जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे कंट्रोल करके रखता है या उसे मैनेज करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। तो फिलहाल एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मेरे फेस पे यहाँ पे एक्ने हैं, मैंने ये बात आपके साथ कई बार शेयर की है, ये देखिए आपको हल्के हल्के धब्बे दिख भी रहे होंगे, दाग दिख भी रहे होंगे, तो फिलहाल ये हैं, लेकिन ये इसकी वजह से नहीं है। और मेरे फेस पे सिर्फ इसको छोड़ के फेस पे कहीं पे भी एक्ने नहीं है, ये तिल जो होते हैं वो सब छोड़ दीजिए, बाकी मेरे फेस पे कहीं पे भी एक्ने नहीं है। अगर पिंपल की बात करूँ, तो मेरे फेस पे काफ़ी सारे पिंपल्स निकले थे, लेकिन उनकी वजह से मुझे कहीं पे भी एक्ने नहीं हुआ। अगर बात करें कि ये आपके फेस के ऑयल को बैलेंस करके रखता है, तो हाँ ये बात सही है, जब आप फेस वॉश यूज़ करते हैं तो 3 से 4 घंटे तक आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता है, या मैं अपनी बात बता रही हूँ क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ, तो जब मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो मेरे फेस पर काफ़ी देर तक मेरा जो फेस है वो नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा ऑयली या स्वेटी नहीं होता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये तो हुई बात कि ये आपके एक्ने को कंट्रोल करता है, आपके फेस के जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है फेस का वो कंट्रोल करके रखता है, वो अलग बात है।
अब बात कर लेते हैं इसे इसके वर्क की। तो फिलहाल मैंने अब तक जितने भी फेस वॉश यूज़ किए हैं, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मैंने अब तक जितने भी फेस वॉश यूज़ किए हैं उसमें मुझे सबसे अच्छा ये फेस वॉश लगा है। चाहे आप इसे इंग्रेडिएंट लिस्ट के लिए देखें, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये हमारी स्किन के लिए 100% सेफ है, या फिर बात करूँ इसके वर्क के लिए। तो फिलहाल मैंने अब तक जितने भी फेस वॉश यूज़ किए हैं उनमें से एक हिमालय का नीम फेस वॉश ही था, जिसे यूज़ करने के बाद मेरे फेस का जो पिंपल होता था वो कंट्रोल में रहता था, या फिर ऐसा हो कि कभी एकाध निकल आया या कभी मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ किया तो उसकी वजह से मेरे फेस पे पिंपल आ गया, तो वो बात अलग है। बाकी उसके बाद यही एक फेस वॉश है जो मेरे फेस के लिए इतना बेनिफिशियल हुआ है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई या कॉम्बिनेशन है तो आप भी इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नीम और टी ट्री है जो कि एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है, माने उसे कंट्रोल करने के लिए, दूर रखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन भी एक्ने और पिंपल प्रोन है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ कह सकती हूँ, बाकी आपको यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि हाँ ये फेस वॉश अच्छा है या नहीं। तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप चाहें तो इस फेस वॉश को एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरा ये वीडियो, मेरा ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।